आंखें बंद करिए, एक बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं ललित मदान, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज पूरा विश्व, अगर मैं बात करूं तो पूरा विश्व इस पैंडेमिक सिचुएशन COVID-19 से भयभीत हो रखा है, और भयभीत होने की बात भी है कि जहां भी हम देखें पूरे विश्व में इसी की मुख्य चर्चा हो रही है। और भारतवर्ष की बात करें तो वहाँ भी अब दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में भी परिस्थितियां और हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। हम सब यहां पर आप लोगों के साथ इसलिए जुड़े हैं कि हम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा कर सके जो कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक सिचुएशन में शारीरिक और मानसिक स्तर पर आप लोगों को उस तनाव, उस परेशानी से दूर रखने में मदद प्रदान कर सके। अगर मैं बात करूँ तो इम्यूनिटी सिस्टम आज की सिचुएशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा मुख्य रोल निभा रहा है, और इम्यूनिटी के लिए तीन मुख्य बिंदु हैं जो हमें ध्यान देने हैं। पहला आपका आहार, दूसरा निद्रा, और तीसरा अभ्यास। तो आहार आपका, अगर आप सात्विक आहार और हल्का आहार और सुपाच्य आहार ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। दूसरा निद्रा, अगर प्रॉपर स्लीप आप ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप जो है उसमें डीप स्लीप आपका टाइमिंग अच्छा है, कहीं ना कहीं आपकी गहरी नींद आप ले रहे हैं, तो आप इस इम्यूनिटी को बढ़ाने में, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद प्रदान कर रहे हैं। और तीसरा मुख्य बिंदु अभ्यास, तो शारीरिक व्यायाम भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में घरों में कैद होने के बावजूद सिर्फ घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक की यात्रा कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये भी नुकसानदेह है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेटर हो और आपकी फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़े, हम इन सब चीज़ों के ऊपर आज साझा करेंगे, बात करेंगे। तो हम आज कुछ अभ्यास आपके साथ यहाँ पर लेकर आए हैं। उन अभ्यासों को यदि आप करते हैं, वह शारीरिक अभ्यास, प्राणायाम के अभ्यास अगर आप करते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाने में, साथ ही साथ फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में और ओवरऑल हेल्थ, मुख्य जो तनाव की परिस्थिति, जो डर की हम कहीं ना कहीं माहौल में जी रहे हैं, उसको दूर रखने में मदद मिलेगी। तो आते हैं हमारे साथ हमारे सहकर्मी, हमारे कलीग मिस्टर सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका जी। हम आज के अभ्यास को शुरू करेंगे, तो आज के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, सुखासन। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अपने अभ्यास को करने के लिए क्रॉस लेग पोजीशन, अगर संभव नहीं है, घुटनों में दर्द है तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं, या अगर संभव है तो सुखासन या अर्ध पद्मासन, तो किसी एक आसन में बैठें। कमर को सीधा करें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें और आंखों को कोमलता से बंद करें। एक शारीरिक स्थिति लेने के बाद कुछ एक लंबे गहरे श्वास प्रश्वास, अपने शरीर को मन को स्थिर करें, तैयार करें आज के अभ्यास के लिए, जिससे हम अपने इम्यूनिटी को, अपने फेफड़ों की कार्य क्षमता को और अपने ऊपर हावी होने वाले तनाव को दूर कर पाएं, इम्यूनिटी को बेहतर कर पाएं और साथ ही साथ अपनी फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ा पाएं। दो तीन लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलें।
इसके बाद अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम हम कुछ खड़े होकर अभ्यासों को करेंगे, जिससे हमारे शरीर का फेफड़ों वाला भाग, साथ ही साथ हमारी कमर वाला भाग पूर्ण रूप से एक्सपेंड हो पाए, खींच पाए। तो पहले ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए पैरों में दो उंगलियों का अंतर, सांस को भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की सीध में ले जाएं, सांस को छोड़ते हुए हाथों की उंगलियां फंसाएं और हथेलियों को पलटा दें। अब पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और पूर्ण रूप से शरीर को एक सीध नुमा आकृति में तानें। यह स्थिति ताड़ासन की स्थिति है। आप चाहें तो इसमें इसकी अंतिम स्थिति को भी छू सकते हैं, जहां एड़ियों को उठा के पंजों का संतुलन बनाने की बात की जाती है, परंतु अभी हम शरीर के अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, जिससे हमारा लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट बेटर हो जाए, लंग्स कैपेसिटी बढ़ पाए, चेस्ट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम एक सीध नुमा आकृति, और अब धीरे धीरे हाथों को वापस ले आए, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। जब आसन में स्थिर हो तो सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ उस आसन में बने रहे। एक बार पुनः इस आसन को करेंगे, दिशा बदल लें। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ले जाएं, कंधों की सीध में, श्वास छोड़ते हुए हाथों की उंगलियां फंसाएं और हथेलियों को पलटा दें। और एक बार पुनः सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और शरीर को एक सीध नुमा आकृति प्रदान करें। सीने वाले भाग को ढीला छोड़ें। अब जैसा आप देख रहे हैं, शरीर पूरी तरह तना हुआ है, इसमें चेस्ट एक्सपेंशन हो रही है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ रही है, साथ ही साथ पूरा दिन कहीं ना कहीं बैठे रहने के कारण घर में हम उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो बैक का कंप्रेशन हो रहा है, उसको दूर करने में और शरीर को अलाइनमेंट देने में मदद प्रदान करते हैं। अब सामान्य सांस के साथ स्थिति में बने रहने के पश्चात धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए, और वापस आने के बाद आंखों को बंद करके इस अभ्यास का प्रभाव अनुभव करें। जब आप अभ्यास कर रहे हैं तब तो उसके साथ जुड़ी रहें, आने के पश्चात भी उसका प्रभाव। इसके पश्चात हम अगला अभ्यास करेंगे, कटी की क्रिया, कटी चालन। शरीर को इस तरफ मोड़ लीजिए, पैरों में कंधों से अधिक दूरी बनाएं, थोड़ा और खोल लीजिए पैरों को। जी, अपनी क्षमता अनुसार कंधों से अधिक दूरी बनाइएगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं आकाश की ओर, पूर्ण रूप से ताने। जैसे ही आप हाथों को ऊपर की ओर खींचना शुरू करते हैं, आपके फेफड़ों वाला भाग एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, लंग्स एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं। अब सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुकना शुरू करें, आंखें खुली, क्षमता अनुसार झुकें जितना आपका शरीर अनुमति दे रहा है। सांस भरते हुए मध्यम भाग में वापस आए और श्वास को छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ आगे झुकें। यदि कमर में दर्द है तो थोड़ा सा अपनी क्षमता अनुसार करिएगा, चाहे तो घुटनों को मोड़ सकते हैं। अब सिर को नीचे किया, पूर्ण रूप से शिथिल होने दें। धीरे धीरे पुनः वापस आए, सांस भरते हुए सीधी कमर के साथ हाथों को खींचते हुए, एक बार पुनः सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं, फेफड़ों का पूर्ण रूप से फैलाव करें, सांस भरते हुए मध्यम भाग में आए और सांस को छोड़ते हुए पूर्ण रूप से आगे झुक जाएं, सीधी कमर के साथ, और हथेलियों को पैरों के बीच में रखने की कोशिश करें यथासंभव, और अपने आप को नीचे की ओर खींचें। धीरे धीरे मध्यम भाग में वापस आ जाएं, सांस भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से हाथों को वापस ले आएं और पैरों को मिलाएं। हर अभ्यास को करते वक्त श्वास कैसे लेना है, छोड़ना, उसकी भी हम जानकारी आपके साथ साझा करें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगला अभ्यास हम बैठकर वात नीति क्रिया का अभ्यास करेंगे। तो अपने स्थान पर बैठ जाएं। वात नीति क्रिया हमारी साइनस रीजन को क्लीन करने में मदद करती है, नेसल पैसेज को क्लियर करने में मदद करती है, और साथ ही साथ हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। तो वात नीति के लिए पुनः एक बार ध्यानात्मक आसन, किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन, या संभव नहीं है तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं।
और अब धीरे से अपने ठुड्डी वाले भाग को, चिन वाले भाग को हल्का सा ऊपर की ओर उठाएं, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण कर लें, आंखों को बंद करें और नासिका वाले मार्ग से कत्यात्मक रूप से सांस का लेना और छोड़ना, बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं भरना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करना, सांस को लेना और छोड़ना कत्यात्मक रूप से हो, डायनामिक हो। आरंभ करेंगे 30 बार वात नीति का पहला चरण, स्टार्ट करें। पूर्ण रूप से श्वास बाहर करें, एक्सेल एंड रिलैक्स। एक बार धीमा गहरा सांस भरें। इस क्रिया से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ने में मदद मिलती है, साथ ही साथ हमारी फेफड़ों की कार्य क्षमता हम बढ़ाने में मदद करते हैं और मन कहीं ना कहीं आगे के अभ्यास के लिए तैयार हो पाता है, नेसल पैसेज खुल पाता है, जिससे हम आगे प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। दूसरे चरण की तरफ पढ़ेंगे, सेकेंड एंड लास्ट राउंड ऑफ वात नीति। सो वंस अगेन रेज योर चिन अप एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस। रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन फॉर 30 टाइम्स। सीने का फैलाव और रिलैक्सेशन, एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन, कंटिन्यू। इट शुड बी रिदमिक। Completely breathe out, exhale and relax. जैसे ही आप अभ्यास को खत्म करते हैं, विश्राम देते हैं, then you can feel कि आपकी जो आने वाली श्वास है वो कितनी गहरी हो गई। You can feel the changes in your breathing pattern. अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जो अगला अभ्यास है कपालभाति क्रिया। It's a cleansing practice. ये भी हमारे नेसल पैसेज को क्लियर करने में बहुत सहायता प्रदान करती है, साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद प्रदान करती है, कफ संबंधित विकारों को दूर करने में मदद करती है और डायफ्राम की मसाज करने में मदद करती है। इतने सारे लाभों को लेने के लिए कपालभाति क्रिया का सही अभ्यास करें। तो कमर सीधी करें, सांस को भरना है और सांस को छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर धकेलना है। लगातार हम 30 बार 30 आवृत्तियों के साथ फर्स्ट राउंड करेंगे। सांस भरें और आरंभ करें। जैसे ही आप पेट को अंदर धकेल रहे हैं तो आपके डायफ्राम मूवमेंट हो रही है और इसको अभ्यास को करते करते आपके साथ जो आप एक्सेलेशन की फोर्स लगा रहे हैं, इससे आपका नेसल पैसेज क्लियर हो रहा है, डिटॉक्सिफाई अपने आप को कर रहे हैं और अपने आप को प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार कर रहे हैं। शुरू में आप 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक के साथ इस अभ्यास को करें, धीरे धीरे आप इसमें गति बढ़ा सकते हैं और 30 स्ट्रोक तक पहला चरण पूरी तरह सांस को बाहर करें और विश्राम, गहरा श्वास भरें और गहरा सांस बाहर। यू कैन फील द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस। सिर वाले भाग में जो अनुभव हो रहा है, नेसल पैसेज के आसपास जो परिवर्तन आ रहे हैं। नाउ गेट रेडी फॉर सेकेंड एंड लास्ट राउंड। दूसरे और अंतिम चरण के लिए पुनः अपने शरीर को तैयार करें। कमर को सीधा रखना है, पेट की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए आरंभ करेंगे दूसरा चरण। सांस भरें और स्टार्ट योर प्रैक्टिस। एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान लेने का कार्य शरीर को अपने आप करने दें। इट शुड बी रिदमिक। पूर्ण रूप से श्वास बाहर करें, एक्सेल एंड रिलैक्स। तो ये दो क्लींजिंग प्रैक्टिस जो आपने देखी, वात नीति और कपालभाति
क्रिया। इनके माध्यम से सबसे पहले हम अपने इस पैसेज को क्लियर करते हैं, टॉक्सिन को बाहर करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार करते हैं। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने का कार्य करती हैं दोनों क्रियाएं, साथ ही साथ हमें प्राणायाम जैसे हायर प्रैक्टिसेस के लिए तैयार करती हैं। तो मैं प्राणायाम के अभ्यास की तरफ बढ़ने से पहले आगे हमारे सत्येंद्र सर को कहूँगा कि प्राणायाम का अभ्यास यहाँ पर आएँ करवाएँ। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, योग थेरेपिस्ट, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से पुनः आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी पिछले हमारे दोस्त आदरणीय श्री ललित मदान जी ने जो योग की कुछ क्रिया और आसनों के विषय में जो आपको बताए हैं, उसी क्रिया को, उसी आसन को अब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे साथ जो कलीग हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, नीतू मैम का। और आप कृपया करके सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल, यह एक योग में आसन का नाम है जिसे हम मकर आसन के नाम से जानते हैं। दोनों हथेली के ऊपर, बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली को रखिए। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर करें, कुंडली बाहर की तरफ और एरिया आमने सामने रहेगी। गर्दन को दाहिने व बाएं ओर करें। यह योग में मकर आसन की स्थिति है, परंतु जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हर जगह पर जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि पेट के बल लेट के, क्योंकि पेट के बल लेटने से जो हमारी श्वास की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए इस आसन में बहुत ही फायदेमंद होता है। जो अभी हमारा महामारी का समय चल रहा है कोविड का, उससे ग्रसित जो व्यक्ति है या उससे हम ग्रसित ना हो, इसके लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पेट के बल लेटे हुए हैं, इसे में आप 5 बार दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास करिए। लंबा गहरा धीमा श्वास लीजिए और धीमा श्वास लय के साथ छोड़िए। पुनः एक बार लंबा गहरा धीमा श्वास भरें और लंबा गहरा धीमा श्वास लय के साथ छोड़िए। श्वास प्रश्वास करने से हमारे फेफड़ों में अधिक मात्रा में श्वास जाती है, जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। 5 बार श्वास प्रश्वास के बाद आप विश्राम करें और प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले मैं कुछ तथ्यों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मकर आसन की स्थिति में कितनी शांत और शांत मनोभाव से लेटी हुई है। अभी जो महामारी का समय चल रहा है, इसमें हम एक बहुत ही सामान्य सी बात देख रहे हैं। पूरे जनमानस में घबराहट है, चिंता है कि मालूम नहीं यदि मुझे हो गया कोविड तो क्या होगा, मेरे परिवार को हो गया तो क्या होगा, अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो जो एक मन में जो घबराहट आ चुकी है, जो जनमानस जो तनाव से ग्रसित हो चुके हैं, उनके लिए, उनको तनाव को कम करने के लिए योग में बहुत ही अच्छा साधन है प्राणायाम और ध्यान। तो आइए अब हम कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। जो प्राणायाम आपके तनाव को तो दूर करेगा ही करेगा और साथ ही साथ आपके फेफड़ों की क्षमता को भी मजबूत करने में सहायक है। तो आइए अब आप उठ करके बैठ जाइए। किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। यह सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, यह आसन जो योग अभ्यासी है उनके लिए है, परंतु जो व्यक्ति आसन में नहीं बैठ पा रहे, उनको कुछ समस्या है, तो वो कुर्सी पर बैठ करके भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आप एक बात का इसमें ध्यान दीजिए, जो शब्द मैं बोल रहा हूं प्राणायाम, अर्थात इससे पहले प्राण है, तो प्राणायाम हमारी प्राण की क्षमता को बढ़ाता है, हमारी जो श्वास और प्रश्वास है उसको लंबा करता है।
तो सबसे पहले हम प्राणायाम की श्रेणी में अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक जग जाहिर प्राणायाम है। यह हमारी श्वास की क्षमता को तो बढ़ाता है, साथ ही साथ इसका एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमारे मानसिक तनाव को दूर करने में बहुत ही लाभदायक और सहायक है, क्योंकि जैसे ही आपकी श्वास की गति सामान्य होगी वैसे ही आपकी तनाव धीरे धीरे सामान्य व समाप्त होती चली जाएगी। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा धारण करिए, दाहिने हाथ से नासाग्र और प्राणायाम मुद्रा धारण करिए और अब दाहिने अंगूठे से दाएं नासारंध्र को बंद करेंगे, आंखें कोमलता से बंद करिए। अब दाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास भरें और अब बाएं नासारंध्र को बंद करें, दाएं नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें, अर्थात श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए। पुनः एक बार दाएं नासारंध्र से श्वास भरें, दाएं नासारंध्र को बंद करें व बाएं नासारंध्र से प्रश्वास करें। यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। यह सामान्य जन के लिए प्राणायाम का अभ्यास है, इसी को दो बार और दोहरा जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है, बहुत ही सामान्य प्राणायाम और बहुत ही लाभदायक। जैसे ही उन्होंने दाएं नासारंध्र को बंद करके बाएं नासारंध्र से श्वास भरा, बाएं नासारंध्र को बंद किया और फिर दाएं नासारंध्र से प्रश्वास किया, यह प्राणायाम हमारी श्वसन क्षमता को तो बढ़ाता ही है। आप देखेंगे धीरे धीरे स्वतः हमारा मन शांत होते चला जाता है। जब इस प्राणायाम का अभ्यास आप कुछ समय तक कर ले, कुछ आप इसके अभ्यासी हो जाएं, तो इस प्राणायाम में अब श्वास की गति को रोकने के लिए भी बताया गया है। यानी जब आप अपनी श्वास की गति को रोकेंगे, रिटेंशन करेंगे, तो स्वतः आपका जो फेफड़ा में ज्यादा फैलाव होगा, ज्यादा समय तक यदि आप अपने श्वास को लंग्स में होल्ड कर पाएंगे तो आपकी श्वास की गति को रोकने की क्षमता बढ़ेगी और फिर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो एक बार हम इसका भी अभ्यास करेंगे। तो पुनः एक बार दाई नासारंध्र को बंद करें। अब हम 6 सेकंड तक हम श्वास लेंगे। दाई नासारंध्र से 6 सेकंड तक श्वास लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब होल्ड करेंगे, सांस को हम 3 सेकंड तक रोकेंगे। 1, 2, 3। अब दाएं नासारंध्र से 6 सेकंड तक हम श्वास को बाहर निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पुनः 6 काउंटिंग तक हम श्वास भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 काउंटिंग तक हम श्वास को रोकेंगे। 1, 2, 3 और 6 काउंटिंग तक हम प्रश्वास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। धीरे से हाथों को नीचे लाइए और ज्ञान मुद्रा दाहिने हाथ से धारण करिए। तो यह हमने एक सामान्य सा अभ्यास बताया आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो जो अभ्यासी प्रथम अवस्था में कर रहे हैं बहुत ही सरल ढंग से करना है आपको। दाहिने नासारंध्र को बंद करना है, बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास भरना है आपकी क्षमता के अनुसार, फिर बाएं नासारंध्र को बंद करके धीरे धीरे प्रश्वास करना है, फिर दाहिने से लेना है और बाएं से छोड़ना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो श्वास और प्रश्वास ले रहे हैं वह लयबद्ध हो, वह लंबा हो और गहरा हो, कहीं पर भी आप श्वास को ना रोकें।
तत्पश्चात जब आप पूर्ण अभ्यास कर लें तब आप श्वास को रोकने का प्रयास करें। श्वास को रोकने के प्रयास को हम योग में कुंभक बोलते हैं। तो इसकी भी क्षमता आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार बढ़ाएं। यदि आप 3 सेकंड तक श्वास से ज़्यादा रोक सकते हैं तो फिर आप उसकी क्षमता को और बढ़ा दीजिए। यदि आप 6 सेकंड से ज़्यादा सांस ले सकते हैं तो और ज़्यादा लीजिए। यदि आप 6 सेकंड से ज़्यादा प्रश्वास कर सकते हैं तो और ज़्यादा कीजिए। यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो ये हमारा था प्राणायाम अनुलोम विलोम। आइए अब हम अगला प्राणायाम करते हैं, जिस प्राणायाम का नाम है उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम इस अभ्यास को करने से यह हमारे थ्रोट एरिया जो रीजन है वहाँ पर संकुचित करता है, वह साथ ही साथ वहाँ पर जो मेद है, जो कफ है, या इस प्रकार से जो कोविड के जो इन्फेक्शन हो चुके हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो कोविड का जो वायरस है हमारा नोजल पैसेज और थ्रोट एरिया पर आकर ज़्यादा प्रभाव कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो उससे बचाव के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। तो इसके लिए हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए अपने थ्रोट एरिया को संकुचित करेंगे और वहाँ पर एक हम आवाज़ करेंगे। श्वास के माध्यम से ही एक आवाज़ करेंगे और जितना आप संभव हो सकता है उतना आप लंबा गहरा श्वास भरें और पुनः फिर नासारंध्र के माध्यम से ही प्रश्वास करें। तो आइए एक बार नीतू जी आप करेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। श्वास भरिए। आप देख पाएंगे कि श्वास भरते समय उनके थ्रोट एरिया गले के ऊपर एक संकुचित हो रहा है, एक खिंचाव हो रहा है। फिर धीरे से प्रश्वास करें। धीरे धीरे उन्होंने श्वास को बाहर निकाला। फिर से एक बार करिए। यहाँ पर एक साउंड आती है कि एक आवाज़ आती है। कहीं कहीं पर इस साउंड को हम तेज गति से भी सुनने को हमें मिलता है, परंतु उन दोनों का एक ही लाभ है। तो यह उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आप देख पा रहे हैं। एक बार और कर जाएंगे अंतिम बार। प्रश्वास करें और विश्राम करें। प्राणायाम का ये उज्जयी जो प्राणायाम किया अभी हमने, तो इसका प्रभाव तो हमें जो हमारा थ्रोट एरिया है गले पर तो हो रहा है, साथ ही साथ हमारा जो नोजल पैसेज है वहाँ पर भी इसका एक अच्छा प्रभाव हो रहा है। और सिर्फ वहीं पर नहीं हो रहा है, जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं यानी कि हम लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं तो आपने देखा होगा लंग्स भी हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यानी कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स में जा रहे हैं। और जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लंग्स में जाएंगे तो लंग्स को मजबूत करेंगे ही करेंगे, व साथ ही साथ हमारे लंग्स से शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालेंगे। तो ये थी हमारे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी अर्थात भंवरे की तरह गुंजन। जैसे आपने देखा होगा जब झुंड में भंवरे चलते हैं तो वहाँ पर उनकी जो एक आवाज़ आती है, एक गुंजन आती है, उसी प्रकार से इस भ्रामरी की आवाज़ आती है, तभी इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी बताया गया है। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा नोजल पैसेज थ्रोट काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही साथ यह तनाव को दूर करने में, तनाव को समाप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है भ्रामरी। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम दोनों नासारंध्र से लयबद्ध लंबा गहरा धीमा श्वास भरिए और प्रश्वास करते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का उच्चारण करिए। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए, प्रश्वास करते हुए गुंजन करेंगे।
लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पुनः कुंजन का आवाज करिए। विश्राम करें, यहीं पर इस प्राणायाम का समापन करें। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी भ्रामरी प्राणायाम का 3 चक्र हमने अभ्यास किया, परंतु 3 चक्र का ही अभ्यास नहीं करना है, आपको इसकी अभ्यास की जो समय सीमा है बढ़ाना है, यानी प्रतिदिन कम से कम आप 20 चक्र तक इसका अभ्यास करें। प्राणायाम तो हमारे प्राण को आयाम किया ही, हमारे मन को शांत तो किया ही किया है, साथ ही साथ इस बात का भी हम ध्यान रखें कि यदि आप कोविड से ग्रसित हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करें, अथवा आप किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक या योग चिकित्सक से संपर्क करके ही इन सारे प्राणायामों का अभ्यास करें। एक बार उनसे सीख लें, तत्पश्चात आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें। तो ये प्राणायाम की अभ्यास के बाद जो हमारी आज की संपूर्ण वातावरण में सब कुछ सुविधा है, परंतु उसके बावजूद भी यह एक आम धारणा, एक आम जनमानस में जो प्रश्न हो रहा है तनाव का, तनाव से ग्रसित है। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज आए हैं, रिसर्च हुए हैं कि लॉकडाउन के समय, कोविड के समय जो व्यक्ति घर में, उनके परिवार में पहले से ज़्यादा जो समस्याएं होंगी, आपस में जो लड़ाई झगड़े जो होते हैं, जो पहले कम होता था वो ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि वो सभी लोग कुंठा के शिकार हो गए, सबके मन में उधेड़ बुन चल रहा है, मालूम नहीं अब क्या होगा, यदि मेरे पड़ोसी को हो गया तो मैं भी स्वतः हो जाऊंगी, इस प्राणायाम से, इस कोविड से ग्रसित हो जाऊंगी। तो ये सब जो हमारा मन में जो तनाव हो रहा है, जो कुंठा का शिकार हो रहे हैं, जो टेंशन हो रहा है हमारे मन में, उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम सही ढंग से खाना भी नहीं खा रहे, हमारा आहार का जो समय है वह सही ढंग से नहीं हो पा रहे। सारी सुविधाएं पहले जैसे उपलब्ध है, आपके घर में अनाज, आहार, फल, सब्जी सब कुछ है, सब कुछ पहले से ज़्यादा अच्छा आपके घर में आ रहा है, परंतु फिर भी हम उसे सही समय पर नहीं खा रहे और सही समय पर हम सो नहीं पा रहे। तो जब तक आप सही समय पर खाना नहीं खाएंगे, आहार नहीं लेंगे और सही समय पर नींद नहीं लेंगे और साथ ही साथ सही समय पर सही ढंग से, सही तरीके से आप योग अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप इस महामारी से आप नहीं लड़ सकते। तो गांठ बांध दीजिए, सही समय पर सोना, सही आहार लेना और सही ढंग से योग अभ्यास करना। तो तनाव को दूर करने के लिए हम अभ्यास करेंगे ध्यान का। योग में ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ध्यान, जैसे ही हम बात करते हैं ध्यान का तो हमारा मन वहां पर चला जाता है, क्या ध्यान करना। तो ध्यान के लिए हम आइए आगे की तरफ चलते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है, कमर गर्दन सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है। ध्यान का अभ्यास आप घर में कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। ध्यान अर्थात कि आप अपने मन को एक जगह पर एकाग्र कर दीजिए, केंद्रित करिए, धारणा कर लीजिए अपने मन में किसी भी एक अच्छी वस्तु का, वह ओम का हो सकता है, अपने ईश्वर का हो सकता है, इन सबको आप अपने मन में धारण करिए। परंतु बहुत आसान भी नहीं है ध्यान को करना, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। यदि आप योग साधना करेंगे तो आपका ध्यान स्वतः हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम आंख बंद करेंगे, बैठेंगे ध्यान करने के लिए, तो आपके मन में पुनः वह सब विचार आने शुरू हो जाएंगे जो आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं। कभी हो सकता है कि आपके मन में जो न्यूज चल रही है उसके नकारात्मक पहलू आएंगे, कभी हो सकता है कि आप अखबार पढ़ रहे हैं उसके आएंगे, कभी हो सकता है कि आपके पड़ोसी में कोविड से किसी की घटना हो गई है वो ध्यान में आएंगे और फिर आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका का आप प्रयोग करें। ध्यान के लिए आंख बंद करिए और सर्वप्रथम आप
कुछ क्षण के लिए आप अपने उन विचारों को देखिए कि जो विचार आप अपने मन में ले रहे हैं, नकारात्मक विचार ले रहे हैं, क्या वह विचार आपके लिए फायदेमंद है? बिल्कुल नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं। जैसे जैसे आप उन विचारों में उलझते जाएंगे, वैसे वैसे और आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो उन नकारात्मक विचारों में नहीं बढ़ना है और सकारात्मक विचार के साथ ध्यान का अभ्यास करना है। आंख बंद करके आप सर्वप्रथम अपने पूरे ध्यान को अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करें, अर्थात जो मन में विचार आ रहे थे उन विचारों को आपने देख लिया, उससे हमें कोई फायदा नहीं, तो अब उन विचारों को वहीं पर छोड़ दीजिए और अपने ध्यान को श्वास व प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करिए, अर्थात आप किस प्रकार से श्वास ले रहे हैं और किस प्रकार से आप श्वास छोड़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। हम प्रतिदिन अपने जीवन में अनेक प्रकार की अनेक वस्तुओं को देखते हैं, घर में, आस पड़ोस में, अपने शरीर को, अपने शरीर के वस्त्र को, सबको हम देखते हैं। शीशे में प्रतिदिन अपने चेहरा को देखते हैं, परंतु क्या कभी आपने अपनी श्वास की गति को देखने का प्रयास किया? क्या कभी आपने उसे महसूस किया? नहीं किया। तो आइए और उसी श्वास और प्रश्वास को महसूस करिए। आप अपने नासारंध्र पे, जहां से श्वास नासारंध्र के माध्यम से शरीर में जा रही है और शरीर से बाहर आ रही है, अपने पूरे ध्यान को अपने नासारंध्र पर केंद्रित करिए और हर एक उस श्वास के प्रति सजग हो जाइए, उससे मित्रता करिए। आप समझिए कि एक एक श्वास हमें जीवन दे रहा है, तो उस श्वास को देखना है, कैसे जा रहा है अंदर, कैसे अंदर से बाहर आ रहा है। आप देखेंगे बहुत ही कम समय के अभ्यास से आपके मन में जो तनाव है, जो आपके मन में कुंठा है, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो अपने ध्यान को केंद्रित करिए श्वास प्रश्वास के ऊपर, हर एक श्वास के प्रति सजगता बनाए रखिए और ऐसा मन में भाव रखिए कि जब भी मैं श्वास ले रही हूं, श्वास ले रहा हूं, मेरे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जब भी मैं प्रश्वास को बाहर निकाल रही हूँ, मेरे मन से जो नकारात्मक ऊर्जा है सब बाहर निकल रही है, क्योंकि यह श्वास आपका है, यह शरीर आपका है, तो मन और चित्त भी आपका है, ध्यान भी आपका है। उसी सजगता के साथ पूरी ध्यान को अपनी नासारंध्र, अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनाए रखिए। शांत चित्त मन से यह ध्यान का अभ्यास, बहुत ही सरल तरीका अभी हमने आपको ध्यान के विषय में बताया। ऐसे योग शास्त्र में ध्यान की अनेक प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं, अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई हैं, किस प्रकार से हमें ध्यान करना है, परंतु आज के समय में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अपने श्वास और प्रश्वास के प्रति ध्यान को केंद्रित करना और अपने मन को तनाव रहित करना। तो चलिए आज हमने यहीं पर इस योग अभ्यास सत्र को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि यह योग सत्र आप सबको, आप सबके परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो। तो पुनः एक बार मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की तरफ से आप सबको धन्यवाद। इस अभ्यास सत्र का समाप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शांति पाठ के लिए दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए, आंखें बंद करिए, एक बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से दोनों हथेलियों को आंखों से स्पर्श करें और पूरी चेहरे पर से लाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आप कोरोना रूपी महामारी से लड़े डरे नहीं बल्कि आप इससे जीतेंगे, ऐसे मन में भावना रखें। धन्यवाद।